हेलो बच्चा भाटी दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदियम क्लासेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थ्री जैसा कि आपको अपनी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट्स पढ़ा दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट टू उससे पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था जो कि हमने चार पार्ट में कंप्लीट किया था यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट लेके आए हैं और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड हो जाते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज के के लिए हो प्रैक्टिस के लिए होगा होगा प्रैक्टिस ठीक है अब एक बार जो नए बच्चे हैं उनको हम थोड़ा सा बैच के बारे में बता देते हैं ठीक है बेटा ये बैच आपको नीचे दिख रहा होगा लक्ष्य बैच बैच की क्लासेस चल रही हैं ये बैच किन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास एट्थ में है अगले साल नाइन्थ में जाने वाले हैं और नाइन्थ क्लास में वो अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस यानी कि स्कूल एंट्रेंस एन टी एस सी केवीपीवाई मैथमेटिक्स ओलम इन सब चीजों के लिए कोई एक बैच ढूंढ रहे जहां से उनका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो ये जो है वो एक फाउंडेशन बैच है जो कि आपको इन सभी चीजों में हेल्प करेगा ठीक है नाइन्थ क्लास के लेवल पे होने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो कि आप देने वाले हैं उन सब के लिए एक फाउंडेशन बैच है ठीक है यहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है लक्ष्य बैच करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको नवोदयम क्लासेस के ऑफिशियल पेज पे ठीक है टेलीग्राम चैनल है हमारा जो है नवोदियम क्लासेस ऑफिशियल अगर आप इसको सर्च करते हैं नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आपको सारे पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे ठीक है तो फटाफट से देर नहीं करना है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है ताकि सबके पास पहुंचे और सबको पता चले कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है हम बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल्ड में आप जाके प्ले में एक बार चेक करिए आपको डिटेल में सारे वीडियोज मिलने वाली है ठीक है सारे टॉपिक मैंने बहुत डिटेल पढ़ाए हैं चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं आज ठीक है देखो आज मैं दो चीजें लेके आई एक डिस्काउंट पढ़ाऊंगी एक आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाऊंगी ये दो और उसके बाद एक वैट पढ़ाऊंगी तीन चीजें लेके आई जो कि टोटल ही टोटल डिस्काउंट के टाइप से आप समझ सकते हैं ठीक है तो ये तीन चीजें जो है आज हम इनपे ही बात करने वाले हैं तो देखो फर्स्ट चीज है डिस्काउंट क्या होता है ये विना शॉप ओनर कोई शॉपकीपर है शॉप ओनर है जिसका शॉप है मतलब दुकानदार है कोई गिव्स अ रिबेट ऑन अ आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट वो अगर आपको किसी आर्टिकल पे किसी सामान पे जो आप उसके यहाँ खरीद रहे हैं उस उसपे छूट दे, दे देता है कुछ रुपयों की जैसे कि मान लो कि अपन किसी दुकान में गए आप और मैं और वहां पे हमें कोई चीज सौ रुपए की थी उस पर लिखी हुई थी सौ रुपए ठीक है सौ रुपए कहाँ लिखी हुई थी प्रिंटेड थी प्रिंटेड प्राइस को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रिंटेड प्राइस को हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं ठीक है, है? प्रिंटेड प्राइस को हम क्या बोलते हैं कोई चीज के ऊपर जो प्राइस प्रिंटेड रहती है ना उस प्रिंटेड प्राइस को हम क्या बोलते हैं मार्ग्ड प्राइस बोलते हैं क्या बोलते हैं मार्ग्ड प्राइस बोलते हैं ठीक है अब ये मार्ग प्राइस थी सौ रुपये ठीक है और दुकानदार को हमने बोला कि ये सौ रुपये की चीज है तो उसने बोला कि है तो सौ रुपये की पर मैं आपको इसपे ट्वेंटी रुपीज ऑफ दे दूंगा क्या दे दूंगा मैं आपको इसपे ट्वेंटी रुपीज का ऑफ दे दूंगा उसने ये बोला वो सामान मुझे कितने का पड़ गया अस्सी रुपए का पड़ गया कितने रुपए का पड़ गया अस्सी रुपए का पड़ गया तो लेकिन ये जो ट्वेंटी रुपीज ऑफ मुझे दुकानदार ने दिए ये जो ट्वेंटी रुपीज मुझे ऑफ दिए यहाँ पे दुकानदार ने इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट ठीक है अच्छा ये डिस्काउंट जो है वो आप देख रहे हैं वो हमेशा किस पे दिया जाता है मार्ग प्राइस पे दिया जाता है किस चीज पे दिया जाता है देखो सौ रुपए के ऊपर बीस रुपए ऑफ था तो ये सौ रुपए क्या चीज थी सौ रुपए मार्ग प्राइस थी सौ रुपये क्या चीज थी सौ रुपए मार्ग प्राइस थी ठीक है जिसके ऊपर हमें बीस रुपए का डिस्काउंट दिया गया था ठीक है तो वही सेकेंड मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिव या कैलकुलेटेड ऑन ठीक है डिस्काउंट हमेशा हमें किस चीज पे दिया जाता है यहां पे गिवन आपको हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है ठीक है अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे देखो अस्सी रुपए डिस्काउंट कितना था मेरा बीस रुपए का डिस्काउंट था वो डिस्काउंट कैसा है मैं सौ में से अस्सी माइनस कर दू ये जो सौ था इसमें से अस्सी माइनस कर दू सौ रुपए मेरा मार्क प्राइस था उसमें से माइनस कर दूंगी अस्सी रुपए तो डिस्काउंट पता चल जाएगा बीस रूपये तो ये डिस्काउंट कैसे मिला ये सौ रूपये मार्ग प्राइस था उसमें से मैंने माइनस कर दिया ये प्राइस प्राइस ये क्या थी जिस पे मुझे मिला मिला कोई सामान मेरे को मिला, वो कौन सी प्राइस सेल प्राइस दुकानदार ने बेचा उस सामान को जितने रुपए में तो दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा अस्सी रुपए में बेचा ठीक है प्रिंटेड था देखो अब सब कुछ ये करते हैं प्रिंटेड था उसके ऊपर कितना बेटा प्रिंटेड था उसके ऊपर सौ रुपये दुकानदार ने बोला कि मैं तो बेच दूंगा इसको अस्सी रुपए में तो डिस्काउंट कैसे पता चला बताओ डिस्काउंट कैसे पता चला डिस्काउंट पता चला ये जो प्रिंटेड प्राइस थी मतलब जिसको हम मार्क प्राइस बोलते थे उसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाली प्राइस सेल प्राइस तो एस पी माइनस एम पी करते हैं तो मुझे क्या पता चलता है डिस्काउंट पता चलता है तब तो मुझे क्या पता चलता है डिस्काउंट पता चलता है जो मैंने यहाँ बताया आपको अब रेट ऑफ डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट है दस परसेंट का डिस्काउंट मिला पांच परसेंट का डिस्काउंट मिला पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट मिला पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट मिला कितना डिस्काउंट मिला वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करने के लिए ऊपर जो डिस्काउंट आता है कितना डिस्काउंट मिला वो हम ऊपर लिख देंगे ठीक है क्या पता करना है हमें रेट पता करना है तो कितना डिस्काउंट मिला वो ऊपर लिख देंगे और डिस्काउंट को हमेशा कैलकुलेट किस चीज पे करते हैं हम मार्ग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं किस पे कैलकुलेट करते हैं मार्ग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो नीचे लिखेंगे मतलब एम पी नीचे आ जाएगा मार्ग प्राइस और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से हंड्रेड से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है परसेंट में वैल्यू आने वाली है हमारे पास और जब भी हम परसेंटेज में वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आप हर फॉर्मुले में लगे हुए देखोगे जहां पे भी परसेंटेज में आंसर आने वाला होता है तो यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं आंसर परसेंटेज में आएगा तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऊपर डिस्काउंट आएगा क्योंकि रेट ऑफ डिस्काउंट फाइन कर रहे हैं और नीचे मार्क प्राइस क्यों आ रहा है क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं हम डिस्काउंट इज ऑलवेज डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस किस पे कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं पहले कुछ और दो और फॉर्मुले हैं वो देख लो इफ मार्क प्राइस एंड रेट ऑफ डिस्काउंट ये दो चीजें आपको दी हुई है आपको दिया हुआ आप एमपी मार्क प्राइस और रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ आप और निकालना क्या है सेल प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं वैसे केस में हम करते हैं बाहर मार्क प्राइस आता है हंड्रेड अंदर, अंदर में क्या आता है हंड्रेड माइनस आठ परसेंट और नीचे क्या आता है हंड्रेड ठीक है अब दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन है कि आपको सेल प्राइस दे रखा है और रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है ये तो ए थी कंडीशन ये बी कंडीशन है ये सेल प्राइस दे रखा है और रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है और निकालना क्या है मार्ग प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं वहां पे सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से और नीचे क्या आता है हंड्रेड माइनस आठ परसेंट यहाँ पे नीचे में आएगा हंड्रेड माइनस आठ परसेंट यहाँ पे ऊपर में आएगा हंड्रेड माइनस आठ परसेंट बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मुले में ठीक है चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब जैकेट इज सोल्ड फॉर रुपीज फोर फिफ्टी एंडकाउंटेज क्या रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं अब देखो दो वर्ड आप, तो आप इसके लिए यूज ले सकते हो एक तो वर्ड यूज हो रहा है डिस्काउंट परसेंटेज और दूसरा वर्ड आप इसके लिए यूज ले सकते हो रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब कितने परसेंट इसका भी मतलब वही होता है कितना परसेंट डिस्काउंट मिला तो अभी अभी हमने रेट ऑफ़ डिस्काउंट का कि रेट ऑफ़ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और यही था यही हमने देखा था देखिए अब आप, आपको डिस्काउंट तो पहले से दे रखा है क्या आपको दिख रहा है डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने का डिस्काउंट है डिस्काउंट दिया हुआ है बेटा पचास रुपए का और बोल रहा है कि सेल प्राइस कितनी थी सेल प्राइस थी साढ़े चार सौ रूपये तो मार्क प्राइस चाहिए हमें क्यों क्योंकि हमें तो फॉर्मूले मार्क प्राइस पुट करना है तो मार्क प्राइस चाहिए तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मार्क प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट तो मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा सेल प्राइस कितनी है साढ़े चार सौ उसमें ऐड कर दो पचास तो कितना आ जाएगा मार्क प्राइस पांच सौ रुपए आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा पांच सौ रुपए आ जाएगा ठीक है चलिए अब अब सब कुछ को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं डिस्काउंट कितना मिला है पचास रुपए का मार्क प्रेस कितना आया था पांच सौ रुपए आया था और मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से हंड्रेड से पांच सौ काटोगे पांच बार कटेगा पांच से दस काटोगे तो कितने बार कटेगा पांच से पचास काटोगे तो कितने बार कटेगा दस बार कटेगा तो आर क्या आ गया दस परसेंट मतलब कितना डिस्काउंट मिला था दस परसेंट का डिस्काउंट मिला था कितना डिस्काउंट मिला था 10 का डिस्काउंट मिला था बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई सारे दूर हो जाएंगे अ पेयर ऑफ शूज कॉस्ट रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एंड देयर इज अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ रुपीज हंड्रेड वॉट इज द सेल प्राइस देखो बहुत इजी क्वेश्चन मार्ग प्राइस आपको दिया हुआ है कि कोई शूज है उसके ऊपर मार्ग है मतलब प्रिंटेड है प्राइस कितनी प्रिंटेड है मार्ग प्राइस मुझे गिवन है कि मार्ग प्राइस है बारह सौ रुपए डिस्काउंट गिवन है कि डिस्काउंट कितना है सौ रुपए। सेल प्राइस देखना है अब क्या देखना है सेल प्राइस तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा आपको पता है मार्ग प्राइस जो भी है उसमें से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट अभी तो सेल प्राइस आता है डिस्काउंट का मतलब ही क्या है कि वो पैसा घट गया ना तो प्रिंटेड कितना था बारह सौ रुपए प्रिंटेड था उसमें से सौ रुपए डिस्काउंट दे दिए मुझे दुकानदार ने तो मुझे वो सामान कितने मिलेगा ग्यारह सौ में मिलेगा सेल प्राइस कितनी हो जाएगी ग्यारह सौ रुपए क्या हो जाएगी सेल प्राइस ग्यारह सौ रुपए दिस इज द करेक्ट आंसर सेल प्राइस भी ढूंढना था हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ अ प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइजेड रुपीज टू थाउजेंड इज सोल्ड फॉर रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड ओरिजिनली प्राइज देखो वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है इफ अ प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइज रूपीज टू थाउजेंड ये बोल रहा आपको मतलब कि उस उस ऑब्जेक्ट uh, पे जो सामान हम खरीद रहे थे वो प्रोडक्ट जो था उसके ऊपर वो कितनी प्राइस मार्ग थी ये आपको बता रहा है कि मार्ग प्राइस कितनी थी बेटा टू थाउजेंड रुपीज ये मार्ग प्राइस थी इज सोल्ड फॉर रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है अब इसकी सेल प्राइस आपको दे रखा है कि सेल प्राइस कितनी है सेल प्राइस है सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज वॉट इज द परसेंटेज डिस्काउंट मतलब आर पूछ रहा है आपसे तो आर क्या था बेटा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन टू हंड्रेड तो डिस्काउंट कितना मिला है बताओ दो हजार की चीज थी सोलह सौ रुपए में खरीद के लेके आ गई मैं तो क्या बोलोगे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने फोर का कितने का डिस्काउंट दिया फोर हंड्रेड का तो इसको हम क्या इसको मैं येलो कलर के बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ये क्या है डिस्काउंट है ये फोर हंड्रेड का मुझे डिस्काउंट मिला है पुट करो अब डिस्काउंट की जगह लिख दो हंड्रेड नीचे क्या आएगा मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस कितना दे रखा है आपको बताओ मार्क प्राइस है टू थाउजेंड इन टू हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी बीस से कटेगा चार सौ कितने बाद बीस दूनी चालीस और जीरो बीस बार तो बीस परसेंट कितना आ गया डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया बीस परसेंट इज क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको टेलीविजन इज सोल्ड फॉर आफ्टर डिस्काउंट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविजन ठीक है अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो आपको सेल प्राइस दिया हुआ है देखो आपको गिवन क्या है सबसे पहले आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्या क्या गिवन है तो आपको पता लगेगा कि आपको फाइन क्या करना है सेल प्राइस गिवन है कि टीवी कितने में बेची गई थी तेरह हजार पांच सौ में डिस्काउंट गिवन है मुझे क्या, तो क्या, तो क्या फॉर्मूला होता है देखो हमने पढ़ा था आपको दिखाती हूँ क्या हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर सेल प्राइस मुझे दिया हुआ और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है तो एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास जो फॉर्मूला नंबर सेकंड था वो लगेगा क्या बोलता है वो कि सेल इंटू हंड्रेड करना है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है हंड्रेड तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं सेल प्राइस कितनी है तेरह हजार पांच सौ वो लिख दो इंटू हंड्रेड लिख दो अपॉन में क्या आएगा हंड्रेड माइनस आर परसेंट क्या है टेन तो टेन आ जाएगा ठीक है चलो इसको सॉल्व करो तो तेरह हजार पच सौ सौ जाएगा नीचे नीचे क्या आ जाएगा? आ जाएगा जाएगा तो जीरो से जीरो ही काट लो सबसे पहले फिर नौ से काट के देखो इधर कितने बार कट रहा है केन जाइन ठीक है फोर रह गया नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव और ये जीरो जीरो आ गया इधर तो ये कितना आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड हजार इधर बच गया इधर टेन बच गया तो ये कितना आ गया आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड इज द

इधर आ जाएगा दो हजार इधर आ जाएगा सौ माइनस पंद्रह बटे सौ ये आ जाएगा ठीक है चलिए दो हजार सौ माइनस पंद्रह था ना तो दो हजार हो गया सौ में से पंद्रह चला गया तो कितना बच गया एट्टी फाइव बच गया ऊपर और नीचे कितना आ गया हंड्रेड आ गया देखो देखो यहाँ पे क्या बच गया ये सौ माइनस पंद्रह को सॉल्व करेंगे तो पिचासी आ जाएगा और नीचे सौ है तो पिचासी बटे सौ आ जाएगा ठीक है अब एक जीरो से एक जीरो कट रही है एक जीरो से एक जीरो कट रही है अब ये आपको दे दिया बीस इंटू पिचिया तो ये कितना हो जाएगा एक सौ सत्तर सत्रह सौ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सत्रह सौ ये मेरा क्या आया है सेल प्राइस आया है ठीक है ये मेरा क्या आया है सेल प्राइस आया है अब आपको डिस्काउंट अमाउंट बताना था आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या अमाउंट बन रहा है ये बताना था तो देखो बेटा मार्क प्राइस मतलब जो कि प्रिंटेड रहता है प्राइस वो कितना था वो था आपका दो हजार रूपये कितना था वो दो हजार रूपये था सेल प्राइस कितना आ रहा है सेल प्राइस आ रहा है सत्रह सौ रुपये तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस कर लेंगे ना तो डिस्काउंट निकालने के लिए माइनस कर दो तो हजार में सत्रह सौ गए तो कितना बचता है तीन सौ रुपये यही हमारा क्या होगा यही हमारा होगा करेक्ट आंसर डिस्काउंट कितना है तीन सौ रुपए का डिस्काउंट है तो ए और बी दोनों क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व कर रहे हो रहे थे इनको अलग अलग सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी ठीक है देखो नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्काउंट एक ये टॉपिक है आप है आपके इसमें ठीक प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या चीज है देखो अब हम मान लेते हैं सक्सेसिव अच्छा सक्सेसिव का मतलब ही क्या होता है वन आफ्टर अनदर ये आपको ध्यान रखना है ये जो वर्ड है सक्सेसिव इसका मतलब ही क्या होता है वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर मतलब इसका मतलब क्या हुआ वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या हुआ वन आफ्टर अनदर का मतलब हुआ कि एक के बाद एक एक के बाद एक ठीक है तो हम मान के चलते हैं देखो अब एक के बाद एक इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे दो या तीन या चार मतलब ज्यादा डिस्काउंट के बारे में बात हो रही होगी एक डिस्काउंट के बारे में तो बात हो नहीं रही है अगर एक डिस्काउंट के बारे में बात हो रही होती तो पहले चल ही रहा था ये नया टॉपिक कहां से आ गया, तो देखो बेटा, हम चलते डिस्काउंट मिला, मिला। सेकेंड डिस्काउंट आपको फिर से दिया गया देखो कोई चीज आपने खरीदी सौ रुपए की मैंने बोला कि भैया पहले तो इसपे बीस रूपये ऑफ है अस्सी हो गए अब ये जो अस्सी है ना इस पे फिर से दस रुपये ऑफ है तो सत्तर हो गए तो टोटल सौ रुपए की चीज आपको मिली कितने में सत्तर में कितने डिस्काउंट मिले दो डिस्काउंट मिले तो ये पहलाउंट तो अब ये जो दोनों डिस्काउंट हमारे पास आए हैं ना एक ही आर वन एक ही आर टू इन दोनों डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट अब टोटल डिस्काउंट अगर आपसे पूछ ले किसी चीज में कि ठीक है यार देखो देखो अभी अब ये भी मैंने आपको समझाया कि कोई चीज मैं सौ रुपए में, में लेके आई उस पर पहला डिस्काउंट मिला बीस रुपये का वो सामान अस्सी रुपये का हो गया और फिर दूसरा डिस्काउंट मिला दस रुपये का वो सामान सत्तर रुपये का हो गया अब मुझे टोटल डिस्काउंट बताना है कि टोटल कितना डिस्काउंट मिला मैं क्या बोलूंगी एक ही बार में कि तीस रुपए का डिस्काउंट मिला भैया सौ से सत्तर की चीज हो गई मतलब तीस रुपये का डिस्काउंट मिला तो अगर मुझे टोटल डिस्काउंट बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी ठीक है तो टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन आर टू अपॉन हंड्रेड और बाहर में परसेंट ये फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है कि कैपिटल R मतलब टोटल डिस्काउंट अगर टोटल मुझे रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है कितने परसेंट डिस्काउंट मिला तो मैं कैसे बताऊंगी आर वन ऊपर में माइनस फिर ऊपर में आर वन इंटू आर टू अपॉन हंड्रेड बाहर में परसेंट क्वेश्चन से समझते हैं ज्यादा इजी लगेगा ऐसे टफ लग रहा होगा देखने में पर क्वेश्चन से इजी लगेगा देखो अ शॉप इज ऑफरिंग अ टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट आर वन पता चल गया आपको टेन परसेंट एंड एडिशनल फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस आपको ऐसा, आपने ऐसा देखा होगा कि मतलब ये जो, जो यहाँ पे सिचुएशन आई है आपने रियल टाइम में भी वो सिचुएशन फील किया होगा ठीक है? है तो जो एडिशनल फाइव परसेंट डिस्काउंट है उसको हम आर टू मान लेंगे आई बात समझ टोटल डिस्काउंट फाइन करना है तो फॉर्मूला लगा दो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन आर टू मल्टीप्लाई में नीचे हंड्रेड और बाहर में परसेंट सारी वैल्यूज हमें कुछ भी नहीं करना है हमें सारी वैल्यूज पुट करना है R1 plus R2 मतलब 10 plus 5, right? बीच में माइनस लगा दो यहाँ पे दस इंटू पांच नीचे आ जाएगा हंड्रेड बाहर में आ जाएगा परसेंट दस प्लस पांच कितना हो जाता है पंद्रह माइनस दस इंटू पांच कितना हो जाता है पचास बटेस सौ और बाहर में परसेंट तो पचास एक बार कटेगा सौ दो बार कटेगा राइट right? तो देखो पंद्रह माइनस एक बटे दो परसेंट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सीधी सी बात है एलसीयम ले लेंगे यहाँ नीचे लगा लो वन एलसीय कितना आएगा टू आएगा इधर आ जाएगा कितना 15, जा थर्टी माइनस वन और परसेंट तो थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन अपॉन टू परसेंट अब इसको काट लो ट्वेंटी नाइन को टू से तो कितने बार कटेगा टू वन जा टू टू फोर जाट फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट टोटल कितना डिस्काउंट मिला इनको फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट का टोटल डिस्काउंट मिला ठीक है जबकि वो बोल कितना रहा था कि टेन परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ पहले तो मैं देखो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है टेन परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ पहले मैं आपको फिर मैं एडिशनल फाइव परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको तो हमें तो क्या लगेगा कि फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट मिला हम तो क्या करेंगे तुरंत जोड़ लेंगे और बोलेंगे यार फिफ्टीन परसेंट का डिस्काउंट मिला मुझे तो उसने पहले दस परसेंट डिस्काउंट दिया फिर पांच परसेंट डिस्काउंट दिया यार फिफ्टीन परसेंट का डिस्काउंट दे दिया पर ये तो रॉन्ग है ना बेटा आप देखो अभी खुद के सामने ठीक है तो इस तरीके से ट्रिक किया जाता है कस्टमर आई बात अब आपको समझ में इस तरीके से क्या किया जाता है ट्रिक किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑफर्स डिस्काउंट ऑन अ ऑफ जीन्स तो आर वन आपको मिल गया है टेन परसेंट आफ्टर डिस्काउंट देयर इज एन एडिशनल वापस डिस्काउंट मिल रहा है इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जीन्स इज वन थाउजेंड वॉट इज द फाइनल प्राइस चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे ओरिजिनल प्राइस आपको दे रखा है ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्ग प्राइस आपको दे दिया है कितना हजार रुपए तो पहले R1 वन सोल्व कर लो कि 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा था पहले कितना डिस्काउंट मिल रहा था 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा था तो आपको पहला कंडीशन है कि मार्क प्राइस दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 परसेंट और आपको निकालना क्या है सेल प्राइस तो क्या फॉर्मूला लगाते थे हम एमपी टू हंड्रेड सॉरी एमपी फॉर्मूला हम क्या लगाते थे बताइए फॉर्मूला लगाते थे हम एमपी हंड्रेड माइनस आ परसेंट अपॉन हंड्रेड ये लगाते थे तो एमपी कितना है हजार और हंड्रेड माइनस टेन अपॉन हंड्रेड ये हो जाएगा देखो अब वन थाउजेंड हंड्रेड माइनस नाइन्टी कितना हो जाता है नाइन्टी और नीचे हंड्रेड ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो जीरो से दो जीरो तो नाइन हंड्रेड आ जाएगा तो फर्स्ट डिस्काउंट मिलने के बाद क्या प्राइस हो गई नौ सौ रुपए ये फर्स्ट डिस्काउंट के बारे में बात हो रही है अब सेकंड डिस्काउंट मिल रहा है अब सेकंड डिस्काउंट भी मिला उनको कितने का पांच परसेंट का कितने का मिला पांच परसेंट का दोबारा से आपको इस बार आपकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी नौ सौ रुपए अभी तो, बेचा नहीं है ना? तो ये 900 क्या है? मार्क प्राइस का, का काम लिए. और इस बार रेट वही सेल प्राइस तो फॉर्मूला क्या होगा वही वाला एमपी इधर हो जाएगा हंड्रेड माइनस आसेंट अपॉन हंड्रेड चलो तो एमपी कितना है इस बार नौ सौ है अंदर में क्या आएगा सौ अंदर में कितना आएगा सौ ये सौ है इसको नौ सौ मत समझ लेना पर कुछ बच्चे समझ लेंगे तो मैं इसको नौ सौ ही कर ही देती हूं चलिए हंड्रेड था ये नाइन हंड्रेड नहीं था तो हंड्रेड माइनस आर परसेंट इस बार आर क्या है हमारा फाइव है और नीचे क्या है हंड्रेड है तो ये हो जाएगा बाहर में नौ सो इंदू अंदर में कितना हो जाएगा ये नाइनटी फाइव अपॉन हंड्रेड तो हंड्रेड से आप इसको काट लो तो ये कितने बार कटेगा नौ बार नाइन इंटू नाइनटी फाइव हमें करना है तो कितना आ जाएगा ये नाइन फाइव फोर्टी फाइव के फाइव फोर कह रही नाइन नाइन जो एट्टी वन एंड फोर एटी फाइव ये कितना आ गया? आ गया? तो क्या जाएगी? आपसे यही पूछ रहा था फाइनल प्राइस तो फाइनल प्राइस कैसे पता लग गई पहले हमने क्या किया एक रेट ऑफ डिस्काउंट को सोल्व किया पता लगाया कि एक रेट ऑफ डिस्काउंट सोल्व करने के बाद वो वो, जो वो जो आर्टिकल जो सामान उसने खरीदा था वो कितने का हो गया उसके बाद दूसरी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व किया फिर हमने पता लगाया कि फाइनल प्राइस क्या आ रही है ठीक है देखिए अ लैपटॉप ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज थर्टी थाउजेंड मतलब ओरिजिनली कॉस्ट का मतलब क्या होता है मार्क प्राइस आपको पता है तीस हजार रुपए ड्यूरिंग अ सेल इट इज ऑफर्ड अ ट्वेंटी डिस्काउंट आर वन एंड देन एन एडिशनल टेन परसेंट आर टू इज द सेल प्राइस ऑफ द लैपटॉप सेल प्राइस पता करनी है आपको तो सेल प्राइस पहले कब पता लगेगी जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल पता चलेगी टोटल कितना ही उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाया है ठीक है तो टोटल हम देख लेते हैं सेल प्राइस हमसे पूछ रहा था तो पहले 20 कर लोगे आप पहले हम क्या करेंगे सेल प्राइस लगाएंगे आर वन के साथ किसके साथ देखो इसको येलो बॉक्स में बंद करते हैं ताकि आपको समझ में आए पहले हम आर वन पकड़ेंगे और आर वन की हेल्प से पता करेंगे कि कितना डिस्काउंट मिला पहले ऑफर के बाद ठीक है तो सेल प्राइस निकालने के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे मार्क प्राइस और अंदर में हंड्रेड माइनस आर परसेंट अपॉन हंड्रेड ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे ठीक है चलो या आप ये भी कर सकते हो कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो एक ही साथ वो डिस्काउंट वो भी आप वही वाला तरीका बताती हो शायद आपको ईजी लगे तो वो भी आप तरीका एक बार देख लीजिए ठीक है तो हम क्या करते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट पता लगा लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट इन द सेंस कि हम ये देख लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट मिला कितना ये देख लेते हैं तो आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल आर टू माइनस आर वन आर टू अपॉन हंड्रेड परसेंट चलिए आर वन प्लस आर टू करेंगे तो क्या आ जाएगा बीस प्लस दस माइनस बीस इंटू दस अपॉन सो परसेंट बीस प्लस दस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी माइनस टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड परसेंट अब ये तो हंड्रेड से टू हंड्रेड कट जाएगा दो बार कितने बार कट जाएगा दो बार कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थर्टी माइनस टू परसेंट तो कितना आ गया ये ट्वेंटी एट परसेंट तो अब मैं क्या पता कर लूंगी अब मैं डिस्काउंट पता कर लूंगी ये तो डिस्काउंट परसेंटेज था मैं डिस्काउंट पता कर लूंगी तो ट्वेंटी एट परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है किस पे ऑफ ऑफ की जगह मल्टीप्लाई मैंने पहले लगा दिया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ वॉट थर्टी थाउजेंड किस पे मिल रहा है तीस हजार पे मिल रहा है तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है डबल जीरो कट रहा होता है बताया था क्या बताया था, था मैं तो परसेंटेज से मैंने दो जीरो काट दी तो क्या आ गया यहाँ पे अट्ठाईस इंटू तो चलो तीन से मल्टीप्लाई कर लो एट वन जयर एट टू हज़ार ट्वेंटी फोर का फोर टू कैरी थ्री टू हजार सिक्स एंड टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये और यहाँ आगे डबल जीरो आ जाएगी ये डिस्काउंट मिल रहा है ये क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है ये डिस्काउंट पता चला है मुझे अब अगर मुझे डिस्काउंट पता चल गया तो मुझे क्या पता करना है अब अब मुझे सेल प्राइस पता करनी है तो क्या ईजी हो गया मेरे लिए काम क्योंकि सेल प्राइस क्या होती है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट सेल प्राइस क्या होती है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट तो सेल प्राइस पता करना है तो मार्क्ड प्राइस लिखो कितना है तीस हजार उसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट आठ हजार चार सौ तो कितना हो जाएगा आठ हजार पहले माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बाईस और बाईस में से भी चार माइनस करोगे तो इक्कीस रुपए

आर वन आपको दे रखा था टेन परसेंट आर टू दे रखा है आपको फाइव परसेंट तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर वन प्लस माइनस अपॉन हंड्रेड परसेंट तो आर वन प्लस आर टू मतलब दस प्लस पांच माइनस दस इंटू पांच अपॉन सौ परसेंट दस प्लस पांच कितना हो जाएगा पंद्रह माइनस इधर कितना हो जाएगा पचास बटे सौ परसेंट काटोगे तो पचास से कम 50, 50 पचास पचास हो जाएगा ये और ये और हो जाएगा अपॉन के नीचे लगा, लगा लेंगे और हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो एलसीएम नीचे आ जाएगा टू इधर आ जाएगा थर्टी माइनस वन परसेंट ट्वेंटी नाइन अपॉइंट टू परसेंट होगा जिसको आप सोल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट फोर्टीन आएगा आई थिंक राइट फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा टोटल डिस्काउंट अब आपको पूछ रहा है कि हजार रुपए की चीज आपने खरीदी थी तो कितने की हो जाएगी तो आपको सिंपली क्या करना है पहले तो डिस्काउंट निकाल लेना है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा फोर्टीन ऑफ हजार ठीक है ये मैंने बोला था आपको अब आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है डबल जीरो होता होता है होता है परसेंटेज क्या बेटा परसेंटेज जो होता है वो डबल जीरो किलर होता है तो ये वाला परसेंटेज डबल जीरो कट जाएगा और आपके पास फोर्टीन पॉइंट फाइव इंटू टेन आ जाएगा जब आप टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन फोर्टी फाइव आ जाएगा कितना आ जाएगा वन फोर्टी फाइव कितने रुपए का डिस्काउंट मिला इनको वन फोर्टी फाइव रुपीज का इनको डिस्काउंट मिला ठीक है अब डिस्काउंट मिलने के बाद की प्राइस पूछ रहा था आपसे आपसे क्या पूछ रहा था कि कितना पे करना पड़ेगा आपको आफ्टर डिस्काउंट ठीक है तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस निकालिए मुझे ठीक है तो हम क्या करेंगे आफ्टर डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारा हजार रुपए का सामान था मतलब जो मार्क प्राइस था उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट तो मार्क प्राइस था हजार उसमें से माइनस कर देंगे वन फोर्टी फाइव तो ये कितना आ जाएगा वन हंड्रेड माइनस कर देंगे नाइन हंड्रेड और 900 में से भी 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 855

ठीक है ये वाला जो चार्ज जो सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं वो हम कौन चार्ज कर रहा है हमसे वो गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है हमसे जो हर एक आइटम पे जो भी हम कर खरीदते हैं एक माचिस की डिब्बी आप खरीद रहे हो वहां से लेकर कोई भी कितनी बड़ी चीज आप खरीद रहे हो आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है तो वही होता है सेल्स टैक्स या इसी को हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते, है या वैट बोलते हैं कितना लग रहा है ट्वेल्व परसेंट का ऑन एन आइटम दैट कॉस्ट रुपीज एट हंड्रेड जिसकी कॉस्ट क्या है एट हंड्रेड रुपीज है ठीक है अब आप उसका कॉस्ट समझ लीजिए कि कॉस्ट दे रखा है आपको आठ सौ रुपए हाउ मच वैट विल यू पे कितना pay करना पड़ेगा तो आपको सिंपली क्या करना है आपको ट्वेल्व था ना तो ट्वेल्व परसेंट निकाल लेना है किसका हो तो ट्वेल्व परसेंट मतलब अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब ये ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड करने की जरूरत नहीं है कर लो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है आपको आठ सौ रुपए तो सौ से कट जाएगा आठ बार और ट्वेल्व एट जहा आपसे पूछ रहा है

टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इंक्लूडिंग इफ नहीं किया है, को करना है। तो सबसे पहले वैट कितना है सिंपली तो दोबारा से हंड्रेड से डबल जाएगा तो ये कितना हो जाता है सेवेंटी फाइव रुपीज ठीक है तो आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट कैसे बता दोगे आप टोटल कॉस्ट आप बता दोगे कि पहले जो कॉस्टिंग पड़ रही थी आपकी पांच सौ उसमें आपने टैक्स ऐड कर दिया पिछहत्तर रुपए तो टोटल कितनी कॉस्टिंग पड़ गई आपको फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज कितनी कॉस्टिंग पड़ गई टोटल टोटल कॉस्टिंग पड़ गई फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज इज दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखो यू बाई अ नोटबुक प्राइस एड रुज टू हंड एंड प्राइस रुपीज फिफ्टी वैट रेट्स ऑफ ट्वेल्व परसेंट एंड फाइव परसेंट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग वैट ठीक है अब आपने एक नोटबुक खरीदी जिसकी प्राइस है सबसे पहले तो नोटबुक के बारे में बात कर लेते हैं आपने एक नोटबुक खरीदी उसकी प्राइस आपने देखी दो सौ रुपए थी और उसके ऊपर वैट कितना लग रहा था लगा नहीं अभी अभी वैट लिखा हुआ है कि बारह परसेंट है हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा ट्वेल्व परसेंट निकालना पड़ेगा किसका बेटा दो सौ का ठीक है तो परसेंट डबल जीरो कटर होता है तो ट्वेल्व इंटू टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो नोटबुक की फाइनल प्राइस कितनी आ गई नोटबुक की फाइनल प्राइस आपके पास आ गई दो सौ की नोट नोटबुक थी चौबीस रुपए टैक्स लग रहा था तो टोटल कितना आ गया दो सौ चौबीस नोटबुक की फाइनल प्राइस क्या आ गई दो सौ चौबीस अब बात करते हैं किसकी पेन की पेन की प्राइस कितनी थी पचास रुपए वेट कितना लग रहा था उसके ऊपर वेट लग रहा था फाइव परसेंट है, तो, 5 लग तो रहा था लेकिन फाइव परसेंट ऑफ वॉट ये आपको ये का होना चीज़। किस चीज का तो अब आपको क्या करना है फाइव अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी तो पचास से कट जाएगा दो बार और दो से पांच को आप काटोगे तो कितने बार कटेगा दो पॉइंट पांच बार ठीक है तो फाइनल प्राइस बतानी है अब दोबारा से पेन की फाइनल प्राइस बतानी है किसकी पेन की तो कितना आ जाएगा पेन की फाइनल प्राइस बेटा पचास रुपए का पेन था जिसपे ढाई रुपए का वैट लग रहा है तो पेन का टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज और अगर अब दोनों की टोटल कॉस्ट बतानी है दोनों की तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी यहाँ देखो नोटबुक की दो सौ चौबीस उसमें ऐड कर देंगे रुपीज ये वाली ठीक है तो 5 ये हो जाएगा इज करेक्ट आंसर ठीक है ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके जितने भी टाइप पॉसिबल थे जो बन सकते थे आपके एग्जाम में वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं यार तीन वीडियोस मतलब समझ रहे हैं बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया डिटेल्ड वीडियोस है सारे के सारे सारे टाइप पढ़ा चुकी हूँ ठीक है कल लेके आऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ठीक है इसी के ऊपर जो कि मिक्स होंगे जितने भी अभी तक हमने तीनों क्लास में जितने भी टाइप सीखे उन सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे आज के लिए वर्क क्या है प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन अगेन ये आपका काम है कि आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करने हैं प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन देखो बेटा जब तक आप खुद से पेन पेपर उठा के सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए कितने भी टीचर्स से पढ़ लीजिए और कितने भी टीचर चेंज कर लीजिए आपके अपने अंदर सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज को लेकर चेंज नहीं आने वाला है भले आप कितने भी टीचर चेंज कर लीजिए ठीक है आपको चेंज करना है तो अपना पढ़ने का तरीका ना कि टीचर ठीक है आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं जिस भी टीचर का पढ़ाना अच्छा लग रहा है आप वही पढ़िए अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहे क्वेश्चन तो आप अपने पढ़ने का तरीका चेंज करिए आप में ज्यादातर बच्चे बस वीडियो खोल के बैठ जाते हैं पेन उठाते ही नहीं है आपको खुद से एक नहीं दो बार नहीं तीन बार एटलीस्ट सारे क्वेश्चन खुद को सॉल्व करने आने चाहिए वो चाहे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपको कम से कम तीन बार उनकी रिविजन करनी होनी चाहिए दिमाग में होना चाहिए मुझे तीन बार उनको रिवाइज करना है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपसे सलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है आप सिलेक्शन लेके ही रहोगे ठीक है इसी के साथ जितने भी पीडीएफ हैं जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं उन सबकी पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है बेटा टेलीग्राम चैनल पे कहा अवेलेबल है टेलीग्राम पे ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल क्या नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल ये हमारा जैसे ही ये वाला जो हमारा बैच अभी चल रहा है जो कि फाउंडेशन बैच है सारे सिक्स क्लास के लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं और नाइन्थ क्लास के लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं क्लास सिक्स के लेवल पे जितने भी एग्जाम है और क्लास नाइन के लेवल पे जितने भी एग्जाम है उन सब पे ये फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्लास सिक्स क्लास सेवन और क्लास एट्थ की एन स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सारे एनसीआरटी क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री ऐसे आपको मिलने वाली है तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किस चीज का वेट कर रहे हैं आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल रही है आपको ठीक है जिस चीज के लिए आप अपने कोचिंग या कहीं पे भी पैसा पे करते हैं पे करते हैं वो सब चीजें यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाली है ठीक है तो फटाफट चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो अच्छी लग रही है मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पसंद आ रहा है किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है किसी मटेरियल की जरूरत है किसी भी तरह के की हेल्प की जरूरत है तो प्लीज मुझे आपको आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है वहां पे मैं देख लूंगी और मैं उस चीज को सोल्व कर दूंगी पूरी पूरी पूरी, पूरी कोशिश करूंगी ठीक है उसके बाद इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज चैनल को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ठीक है सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ठीक है मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर